नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट जरूर देखिएगा ताकि कोई मिस ना हो। तो चलिए आज हम बनाएंगे सोयाबीन आलू की तरी वाली सब्जी। तो इसके लिए मैंने ये सोयाबीन भिगो दी थी गर्म पानी में और अच्छे से फूल चुकी है सोयाबीन। और ये काट लिए थे आलू मोटे मोटे और अच्छे से धो लिए हैं। और ये गर्म हो गया है तेल, तो सोयाबीन को फ्राई कर लेते हैं तेल में। तो चलिए जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन कलर के सोयाबीन, तब तक भून लेते हैं। और बढ़िया से सोयाबीन फ्राई हो चुके हैं, ये निकाल लिए हैं मैंने प्लेट में। तो चलिए सारे सोयाबीन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और जितना तेल मुझे भगोनी में चाहिए उतना छोड़ दिया है। बाकी का तेल मैंने निकाल दिया है भगोनी से। तो चलिए तेल भी गर्म हो चुका है ये वाला, और इसमें डाल दिया है लहसुन। ये मैंने कद्दूकस कर लिया था लहसुन को, या कूट के भी डाल सकते हो आप। लहसुन अच्छा सा भून चुका है, तो इसमें मैंने कद्दूकस करी हुई प्याज डाल दी है। प्याज को भी अच्छे से भून लेते हैं हल्का गुलाबी होने तक। और बढ़िया सी प्याज भून चुकी है, तो इसमें डाल देंगे पिसे हुए मसाले। इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, और ये डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर। और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। बढ़िया सा मसाला भून चुका है, तो इसमें डाल देंगे कद्दूकस करे हुए टमाटर। और टमाटर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम से कम 2 टमाटर डाले हैं मैंने बड़े बड़े। और टमाटर को भी अच्छे से भून लेते हैं। बढ़िया से टमाटर भून चुके हैं, तो इसमें डाल देते हैं आलू और सोयाबीन। आलू सोयाबीन डालने के बाद इनको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए, तो चलिए मसाले में मिक्स कर लिया है मैंने आलू और सोयाबीन को, और बढ़िया सा कलर भी अच्छा लग रहा है। और अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम ज़रूरत के अनुसार डालेंगे, जितना हमें ज़रूरत है कि आलू पक जाए। और क्योंकि सोयाबीन पानी सोख कर लेती है, तो थोड़ा सा आधा कटोरी एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे। और इसको कम से कम 15 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं मीडियम गैस पे। तो चलिए 15 मिनट के लिए मैंने पका लिया है, और ये आलू पक चुके हैं, ये देखिए। तो चलिए सब्जी बनके, आलू सोयाबीन की तरी वाली सब्जी बनके हो गई है तैयार। तो इसके ऊपर से मैं डाल देती हूँ धनिया। गैस मैंने बंद कर दी है, ये देखिए। तो चलिए अब मैं डोंगे में निकाल लेती हूँ, ये देखिए। तो चलिए डोंगे में निकाल ली है, इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया और मैं डाल दूंगी, और सब्जी तैयार हो गई है बनके। तो आप चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, ये सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और एक बार बनाइएगा जरूर। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी हमेशा लाती रहूं।